अब चलिए एक और खास गेस्ट हमारे साथ होम फर्स्ट फाइनेंस के मनोज विश्वनाथन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे कई सारे मैटर्स पर बात होगी। वेलकम टू आवर शो मिस्टर मनोज, प्लेजर टू हैव यू ऑन ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी हाल ही में यूनियन बैंक के साथ एक पार्टनरशिप हुई है, इस पार्टनरशिप को, इस अलायंस को आप किस तरह से देख रहे हैं, कैसे आपकी कंपनी को स्ट्रेंथ मिली है, पोजिशनिंग और स्ट्रांग हुई आपकी कंपनी की हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में? ये कोलेंडिंग का हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है। कोलेंडिंग का आरबीआई ने गाइडलाइंस रिलीज किया था कोलेंडिंग के ऊपर, यू नो, तो लास्ट एक दो साल से ये चल रहा है कोलेंडिंग का प्रिपरेशन वगैरह, तो उसी का हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। तो बेसिकली 80% ऑफ द लोन यूनियन बैंक के बुक्स में रहेगा और 20% विल रिमेन विद अस। वी विल बी द मेन ओरिजिनेशन पार्टनर एंड स्विच सर्विसिंग भी हम लोग करेंगे लोन का। ये दिस इज एज पर आरबीआई कोलेंडिंग गाइडलाइंस, तो उसके बेसिस पे हमने पार्टनरशिप किया है। इसमें क्या बेनिफिट होगा, बेसिकली यूनियन बैंक इज अ वेरी लार्ज बैंक विद लार्ज डिपॉजिट बेस, सो उनको फंड्स का, यू नो, दे हैव अनलिमिटेड फंड्स and we can use our distribution, our technology to you know, provide a good experience for the customers and you know, source customers for the bank. So basically ye hai, I mean, using the basically say that, I mean, strength of both the entities, we want to launch this new product. बिल्कुल, स्ट्रेंथन दोनों ही एंटिटीज को मिलेगी यहाँ पर मजबूती, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि फायदा किसको मिलेगा, कॉस्ट बेनिफिट जो है इस अग्रीमेंट के अंडर किसको मिलेगा? नहीं, इसमें एक्चुअली कस्टमर को बेनिफिट होगा क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्ट है दैट इज एट अ हायर रेट बिकॉज वी आर इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस और हमारा वी डोंट हैव एक्सेस टू लो कॉस्ट फंड्स व्हिच द बैंक हैज गॉट। तो बैंक को डिपॉजिट, सिंस दे हैव डिपॉजिट बेस, उनका बेसिकली कॉस्ट ऑफ फंड्स इज मच लोअर देन अस। तो अभी हम बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड दिस पार्टनरशिप हम लोग अभी हमारे कस्टमर्स को वी विल बी एबल टू ऑफर रेट्स विच आर मोर कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट, मतलब जो लार्जर लेंडर्स और बैंक्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स को उसी लेवल पे, उसी रेट पे हम लोग हमारे कस्टमर्स को भी हम ऑफर कर पाएंगे। तो इट्स अ ह्यूज बेनिफिट फॉर द कस्टमर्स। सर, जब टिकट साइज की बात आती है तो आप किसी पर्टिकुलर टिकट साइज पे ज्यादा फोकस करेंगे? हाँ, ये तो प्योरली प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आरबीआई ने अनाउंस किया है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ही होंगे। और अब हमारा कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो हमारा तो होम लोन्स पे हमारा फोकस है। तो बेसिकली दिस विल बी रिटेल होम लोन्स इन प्रायोरिटी सेक्टर। तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर का डेफिनेशन है लोन्स इन द रीच इन व्हिच आर लेस देन 35 लाख टिकट साइज इन मेट्रोस एंड लेस देन 25 लाख टिकट साइज फॉर स्मॉलर सिटीज। तो बेसिकली ये इस टाइप के लोन्स हम लोग इसमें ओरिजिनेट करेंगे। सर, क्वार्टर टू में करीब 500 करोड़ रुपए के आपने डिसबर्समेंट की है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट टू सेगमेंट में जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिली, कहाँ पे आपने ज्यादा पैसा बांटा, क्रेडिट ऑफ टेक कहाँ ज्यादा हुआ? ग्रोथ हमारा तो बिल्कुल एक ही फोकस है बेसिकली हाउसिंग लोन्स पे, दैट इज रिटेल हाउसिंग लोन्स एंड अफोर्डेबल सेगमेंट। तो टिकट साइज जनरली 5 to 25 lakh के रेंज में रहता है, तो उसी पे हमारा फोकस पहले से रहा है और लास्ट क्वार्टर भी ग्रोथ तो वहीं से आया है। एंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफीज जो हमारे सारे स्टेट से ग्रोथ है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट में ज्यादा ग्रोथ है ऐसा है, तो सारे स्टेट से हमको ग्रोथ मिल रहा है। ओके, आपसे थोड़े और नंबर्स समझना चाहेंगे कंपनी के। इस क्वार्टर की अगर बात करें तो रिकवरी और कलेक्शंस किस तरीके की रही हैं, और क्या आप देख रहे हैं कि जो कलेक्शन है आपकी कंपनी के वो प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुके हैं? कलेक्शन इंक्रीमेंटली जो कलेक्शंस है वो प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। जो नए कस्टमर्स जो हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनका कलेक्शन तो प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच चुके हैं, बट कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो लास्ट वेव था, वेव टू में जो इम्पैक्ट हुए हैं उनका अभी भी कैचअप चल रहा है। तो उन्होंने 2-3 पेमेंट्स मिस किया है तो पेमेंट्स के कैचअप कर रहे हैं। तो दीज आर इन अफोर्डेबल सेगमेंट, इन कस्टमर्स का कैपेसिटी नहीं है कि वो एक ही महीने में 2-3 इंस्टॉलमेंट्स दे पाए, तो वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो एक इंस्टॉलमेंट देंगे फिर बैलेंस इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग है उसमें
थोड़ा थोड़ा करके कैचअप कर रहे हैं। ओके और सर इस पार्टनरशिप के बाद क्या लग रहा है आपको FY22 के लिए जो लोन ग्रोथ पर आउटलुक है वो क्या है आपका? अभी तो ये कोलेंडिंग अरेंजमेंट पार्टनरशिप का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अभी हैव टू सी ये कैसे पैन आउट होता है। वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट एंड वी होप इन टाइम्स टू कम इट विल बी अभी वेरी सक्सेसफुल, बट इट इज समथिंग यू नो टू पार्टीज हैव टू कम टुगेदर। काफी सारे इंटीग्रेशन और इसमें चीजें हैं विच हैव टू बी आयर्नड आउट एंड यू नो इट हैज टू कम थ्रू, सो इट विल टेक सम टाइम टू यू नो पिक अप। सो एट दिस पॉइंट आई थिंक इसके बारे में कमेंट करना मतलब इट विल बी डिफिकल्ट। श्योर। साथ ही आपसे मनोज जानना चाहेंगे कि आगे फर्दर आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या होंगे, अपना किसी और तरह के अग्रीमेंट एक्विजिशंस यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? नहीं, कोलेंडिंग अरेंजमेंट इज बेसिकली ये जो इट इज बेसिकली फॉर यू नो बेनिफिटिंग द कस्टमर। हम ऐसा कुछ मर्जर या ऐसा कोई प्लान हम लोग नहीं कर रहे किसी एंटिटी के साथ, बट या कोलेंडिंग इज समथिंग हम लोग करेंगे आगे जाके भी करेंगे। it is like I said, it's more beneficial to the customer. हम जो loans originate कर रहे हैं हम करते रहेंगे, but we will now be able to offer the customers a better rate, you know, because of the synergy that we will get from partnership with the Union Bank of India. Right. साथ ही हम देख रहे हैं कि हाउसिंग बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर काफी लुक्रेटिव सेक्टर है और इस पे गवर्नमेंट का भी अब फोकस है। आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? आप क्या लग रहा है कि आपको यहाँ से आगे जाते हुए कितना अट्रैक्टिव या स्पेस या क्राउडेड या कंपेटिटिव या स्पेस दिखता है कंसीडरिंग द योर पीयर्स? मार्केट बहुत बड़ा है, तो कंपटीशन जैसे सारे प्रोडक्ट्स में रहता है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन है होम लोन्स में, एंड कंपटीशन इज हेल्दी क्योंकि हम लोग भी फिर अपना प्रोसेस और स्ट्रेटजीज और फाइन ट्यून करके कस्टमर फ्रेंडली बना रहे हैं, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, इट इज बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री, सो वी वेलकम कॉम्पिटिशन एंड आई थिंक it is like any other product, you know, it's a very large market, so it does not really matter ki kitna competition hai, it will only be beneficial to the industry. मनोज जी, पिछले दो महीने में जो चीजें बदली हैं कम से कम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबको असर डालती हैं वो है नया वेरिएंट। अब ये भी है बाजार में, हम जैसे भी कह सकते हैं इसको, इसका ग्राउंड चेक आपने कितना किया है और इसका कितना इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर पड़ सकता है, या कुछ कैलकुलेशन आपने किए हों अगर थोड़ा सीवियर होता है तो? हम लोग बेसिकली अब प्रिकॉशंस वगैरह हम ले रहे हैं, तो वी हैव मेड श्योर दैट ऑल आवर एम्प्लॉइज आर वैक्सीनेटेड, डबल डोज वैक्सीनेट किया है सबको, और मतलब अभी भी हम लोग पूरा मतलब प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग एक्सेट्रा, सो वी आर होपिंग दैट यू नो इट इम्पैक्ट विल बी वेरी लेस दिस टाइम एंड थिंग्स विल गो इन अ नॉर्मल सिचुएशन, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो अपने साइड से जो कर सकते हैं वो सब प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। आप बिल्कुल सुलझा हुआ जवाब दे रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं 11वां प्रश्न आपसे पूछता हूं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग को किस तरह से प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर डिमांड कितनी बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले सेगमेंट्स में? अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड तो बहुत जबरदस्त है एंड आफ्टर कोविड इट इज रियली पिक्ड अप, एंड मतलब पहले प्री कोविड के भी पीक्स के भी हायर है अभी डिमांड एट द ग्राउंड लेवल, सो आई थिंक हाउसिंग एज द इनकम इन द कंट्री एंड पर कैपिटल इनकम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हाउसिंग इज द की यू नो रिक्वायरमेंट एंड की नीड फॉर कस्टमर, सो सबका यू नो इंटरेस्ट है कि हाउस पे पहले इन्वेस्ट करें और हाउस को सिक्योर करें, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सर्व दीज कस्टमर्स। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने 18 और स्वदेश को समय दिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर, इस बीच मार्केट्स पे एक बार फिर से नजर डालें, आज का दिन मार्केट्स के लिए एक्चुअली थोड़ा ब्लैक मंडे जैसा